1504 में आज ही के दिन सिखों के दूसरे धर्मगुरु गुरु अंगद देव का जन्म हुआ। 1616 में आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध लेखक विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ। 1660 में आज ही के दिन स्वीडन और पोलैंड के बीच ओलिवा संधि पर सहमति बनी। 1661 में आज ही के दिन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय की लंदन में ताजपोशी हुई। 1751 में आज ही के दिन ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल गिलबर्ट एलियट मिंटो का जन्म हुआ। 1774 में आज ही के दिन ब्रिटिश कमांडर कर्नल चैपमैन ने रोहिला सेना को हराया और रोहिला खंड पर कब्जा किया। 1891 में आज ही के दिन रूस की राजधानी मॉस्को से यहूदियों को निकाला गया। 1908 में आज ही के दिन डेनमार्क, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड और स्वीडन के बीच उत्तरी अटलांटिक संगठन संधि पर हस्ताक्षर किए गए। 1968 में आज ही के दिन मशहूर गजल गायक बड़े गुलाम अली खान का निधन हुआ। बड़े गुलाम अली खान के मुंह से एक बार राधे श्याम बोल भजन सुनकर महात्मा गांधी बहुत प्रभावित हुए थे। मुगले आजम फिल्म में तानसेन पात्र के लिए उन्होंने ही अपनी आवाज दी थी। भारत सरकार ने वर्ष 1962 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। 1985 में आज के दिन कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला ने 99 साल बाजार में रहने के बाद एक नए फॉर्मूले के साथ नया कोक मार्केट में लाया। 3 महीने के विरोध के बाद ये कोक वापस ले लिया गया। 1992 में आज के दिन प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता निर्देशक भारत रत्न सत्यजीत रे का निधन हुआ। सत्यजीत ने अपने जीवन में 37 फिल्मों का निर्देशन किया जिनमें फीचर फिल्में, वृत्त चित्र और लघु फिल्में शामिल हैं। रे को जीवन में कई पुरस्कार मिले जिनमें अकादमी मानद पुरस्कार और भारत रत्न शामिल हैं। इन्हें वर्ष 1985 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और वर्ष 1987 में फ्रांस के लेंचियो दो ओनू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2005 में आज के दिन YouTube पर पहली बार वीडियो अपलोड किया गया।